good morning. Today in class 8 we have to deal with materials, matters and non-matters. पहली बात आती है कि what is matter? Matter होता क्या है? What is matter? अगर कोई भी आपसे पूछे तो matter anything which occupies a space, which occupies a space and has a space and has mass is called क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चे matter कहते हैं. किसी भी चीज का स्पेस और मास होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पेस मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा और मास होगा तो क्या कहते हैं उसको हम लोग मैटर कहते हैं. ठीक है, और इसी में मैटर में ही एक होता है एलिमेंट. क्या होता है बच्चे? एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड हम दो बारे में बात करेंगे. एलिमेंट तो इट इज विच, जितने भी मैटर को मैं अगर बात करूं तो इसमें जो होते हैं अलग अलग टाइप के हम पढ़ेंगे. अभी हम रहते हैं तो मैटर में होता है बच्चे दो पार्ट में बांटते हैं. अभी आपकी क्लास में फिलहाल नहीं दिया गया है, प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर. क्या होता है बच्चे? प्योर और इम्प्योर. मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ. प्योर में दो होते हैं एलिमेंट और इसमें होता है कंपाउंड. प्योर में हो गया एलिमेंट और कंपाउंड. इम्प्योर में क्या हो गया बच्चे? मिक्सर. क्या होता है बच्चे? मिक्सर होता है. मिक्सर भी दो टाइप का हो जाता है. ठीक है, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस. फिर हेट्रोजीनियस भी दो टाइप का होता है, एक होता है कोलाइड और एक होता है सस्पेंशन. ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पर लाइट देना चाहूंगा इसको. मैंने अभी मैटर को बताया बच्चे कि मैटर, मैटर अभी बताई जाए कि एनीथिंग विच हैव द मास एंड हैव ऑक्यूपाई स्पेस. इट हैज टू पार्ट, दैट इज द प्योर एंड इम्प्योर. प्योर मीन शुद्ध. तो प्योर में दो पार्ट हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट क्या होता है? जो कि सेम टाइप के एटम्स से बने होते हैं. एलिमेंट जो होते हैं किससे बने होते हैं बच्चे? सेम टाइप ऑफ एटम्स से बने होते हैं, जिसको कि हम जनरली दो और सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो एलिमेंट के भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है बच्चे मेटलॉइड और तीसरा होता है नॉन मेटल. तीसरा क्या होता है बच्चे? एलिमेंट में मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल हो गया. कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. केमिकली मीन्स रिएक्शन के थ्रू, जैसे H2 प्लस O2 इट इज मेकिंग H2O. ये जो है सो रिएक्शन के थ्रू बना है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना है, सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में लेसन पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमको इसमें नहीं पढ़ना इसको. ठीक है, फिर मैंने इम्प्योर बताया. इम्प्योर मीन्स अशुद्ध कहते हैं. इसमें एक मिक्सर हो गया. मिक्सर नाम सुनते ही है, जिसमें डिफरेंट टाइप के लोग फिजिकली मिलाते हैं. इसमें होमोजीनियस होता है. होमोजीनियस में क्या होता है? उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है. जैसे आप शरबत बनाते हो तो शरबत ऊपर से पियो या नीचे से पियो बराबर ही मीठा लगता है. कहीं ये नहीं कि ऊपर का कम मीठा होता है नीचे का ज्यादा मीठा होता है, इसका मतलब. ठीक है, फिर दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, जिसका अलग अलग होता है. हेट्रोजीनियस में भी दो टाइप होता है, कोलाइड और सस्पेंशन. कोलाइड भी जो है ऑलमोस्ट होमोजीनियस की तरह ही दिखता है, बट वो होता नहीं है. इसके बारे में हम लोग नाइन्थ में पढ़ेंगे. कोलाइड में क्या होता है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, जैसे दूध, खून, ये सब सारे क्या होते हैं बच्चे? कोलाइड होते हैं. इसके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है. सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि इसको हम आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं. होमोजीनियस के पार्टिकल्स के हम जो है इनको हम अपनी आंखों से इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. कोलाइड के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और सस्पेंशन को सिंपल अपनी आंखों से देख सकते हैं. राइट नाउ अभी फिलहाल इतना नहीं जाना था मुझे. मेरा मेन था कि मेटल, आपने पढ़ा मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, ये एलिमेंट के तीन पार्ट हो गए. अब मेटल्स क्या हो गए? जैसे कि आपने देखा फिजिकल एंड केमिकल, मेटल्स धातु हिंदी में कहते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. ठीक है, फिर नॉन मेटल, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, व्लोरीन, ये सब सारे क्या हो गए बच्चे? ये क्या हो गए? जैसे मैंने कहा इसमें आयरन का आपको, इसमें फिर सिल्वर का, एल्यूमिनियम हो गया, डेढ़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है, ये मैं जो नाम लिख रहा हूँ एक्सेट्रा.
इसमें हो गया हाइड्रोजन हो गया, ठीक है बच्चे, इसमें उसके बाद आपका क्लोरीन हो गया, जो भी है सॉरी मेटलाइट में लिख रहा हूँ, मेटलाइट में अलग होता है, मेटलाइट सॉरी मेटलाइट की बात कर रहा था, ठीक है ना। जैसे जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम ठीक है ना, सिलिकॉन होता है, फिर आर्सेनिक होता है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। और नॉन मेटल में आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, एक्सेट्रा, ये सब सारे क्या होते हैं बच्चे, नॉन मेटल्स में आते हैं। तो आपने पढ़ा कि एक एलिमेंट के तीन पार्ट हो गए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक चीज और जैसे दिया होता है, अब जो है जो अक्रेंस ये मिलते कैसे हैं, कहां मिलेगा आपको ये, तो एक होता है ओश, आपने अक्सर सुना होगा मिनरल्स, और मिनरल्स के बाद होता है ओर्स, ओ आर ई एस। ये दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली या इजिली आर कॉल्ड ओर्स। अब इसके ऐसे ढेरों ओर्स, जैसे आयरन की बात करूं तो इसके हेमाटाइट होते हैं, एल्युमिनियम की बात करूं तो बॉक्साइट होता है, डिफरेंट ओर्स पढ़ेंगे इसमें अलावा, इसके अलावा इसमें एक और होता है तो गैंग जी ए एन जी यू ई, ये इम्प्योरिटीज होता है बच्चे, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, गैंग कहते हैं। जो गंदगी प्रोजेक्ट होती है उपलब्ध उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं, ठीक है, जो ओर्स में उपलब्ध होती है। इसके अलावा ठीक है ना, और भी जो मेटल से हम सॉरी ओर से जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है, मेटलर्जी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मेटलर्जी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे अभी हम लोग इसमें, ठीक है। तो इसमें पहले बात करें कि कौन सा नॉन मेटल्स, जैसे आप नाइट्रोजन को देखिए, आपके एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा हुआ है 78% क्या होता है बच्चे, नाइट्रोजन होता है। इनफैक्ट आपके अर्थ के क्रस्ट में भी होता है, आपके बुक में टेबल दिया हुआ है 4.1 नाइट्रोजन इन फ्री स्टेट एटमॉस्फेयर अबाउट 78%। और इसके अलावा हमारे जो है सो अर्थ के लेयर में पोटेशियम नाइट्रेट इसके फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये सन में पाया जाता है, स्टार लोग कहते हैं कि सन में जो हीट है वो हाइड्रोजन के कारण ही होता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पानी पड़ा हुआ H2O, पानी में भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इन सब में होता है। ऑक्सीजन ये भी आपके 21% एटमॉस्फेयर में है, उसके बाद अर्थ क्रस्ट में है, डिफरेंट ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है। फिर कार्बन ये भी फ्री स्टेट में ग्रेफाइट, कोल एंड डायमंड में होता है, कंबाइंड स्टेट में जो है आपके एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में होता है, ठीक है ना। फिर सल्फर फ्री स्टेट में जो होता है ये अर्थ के क्रस्ट में होता है, और कंबाइंड स्टेट में जो है मेटल सल्फेट और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, ये टेबल 4.1 आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है सो मेटल्स जो आपके नेचर में फ्री तो पाए जाते हैं, कुछ इसके अलावा जो है सो ऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, एक्सिस, इन सब के फॉर्म में भी जो होता है कंबाइंड स्टेट में भी आपके यहाँ पाए जाते हैं। और मैंने अभी कहा था कि मेटलर्जी की बात की थी, मेटलर्जी इज द प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन बाय विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। अब ओर के बारे में जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है पेज नंबर 56 पे, एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट Al2O3 2H2O, आयरन पाइराइट्स और हेमाटाइट, ये दोनों जो होते हैं वो किसके हैं, आयरन लोहे के हैं, ओर्स हैं। और कॉपर ग्लैंस दैट इज द CuS इज द ओर ऑफ कॉपर, दीज आर द सम ओर्स विच वी हैव टू, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेटल्स जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में जो काफी कम रिएक्टिव होते हैं वो प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे गोल्ड आपका हो गया, गोल्ड सिल्वर सब जो है वो कभी कभी प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है, बिकॉज दे आर द वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है, ठीक है। तो वी हैव टू, आप इस सबको देख सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जो है सो हम फिर होगा तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।
दैट लेसन इज वेरी गुड. सो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेसन में इसको रखेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.